देखिए, जैसे कि आपको वीडियो के थंबनेल से मालूम चल गया होगा कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको ईसीसी बैंक के अंदर यानी सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय के लिए ईसीसी बैंक में अकाउंट खुलाने का प्रोसेस बता रहा हूँ। इसमें आप लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को आपको कैसे भरना है, किस किस से आपको वेरीफाई करवाना है, किस तरीके से आपको श्योरिटी लेनी है, किसको आपको गवाह बनाना है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये हमारे पास में तीन फॉर्म दिए जाएंगे। अभी फॉर्मेट चेंज हो गया है, सिर्फ तीन फॉर्म ही दे रहा है 3 पेज का। ये हमारे पास में ग्रीन कलर का फॉर्म है और एक हमारे पास में ये येलो कलर का फॉर्म है और एक हमारे पास में ये वाइट कलर का फॉर्म है। यानी तीन तरह के फॉर्मेट हैं, तो तीनों को भरते हैं और फिर एक एक करके हम समझते हैं। कंप्लीट वीडियो आपको देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और जिसको भी अकाउंट खुलवाना है और मालूम नहीं है प्रोसेस तो उसे ये वीडियो शेयर कर देना है ताकि वो देख करके एक बार में फॉर्म वेस्ट ना हो और अच्छे से भर सके और अपना जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। क्योंकि जो लोन लिया जाता है यहाँ पर रेलवे एम्प्लॉय के द्वारा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम है, रेलवे एम्प्लॉय के लिए फायदेमंद है। या उतना कम तो नहीं है लेकिन मान सकते हैं अदर बैंक के कंपेरिजन में कम है। जैसे अदर बैंक से हम SBI से लोन लेते हैं तो SBI में जो लोन पड़ता है 11-12% के आसपास पड़ता है, लेकिन अगर आप कम समय के लिए ईसीसी बैंक से लोन लेते हैं, रेलवे एम्प्लॉय हैं, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 से 6% के आसपास पड़ता है। तो ये ब्रांच है, ये वाइकला की ब्रांच है मुंबई में। हो सकता है अदर डिवीजन में अदर अदर जगह से अदर नाम से हो, लेकिन इस तरीके की एप्लीकेशन होंगी और ईसीसी के नाम से है यानी रेलवे एम्प्लॉय के लिए है। ये सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय के लिए है, हो सकता है वेस्टर्न में वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय के नाम से हो, इस तरीके से हो, तो वो आप देख लेना। तो मैं यहाँ पर सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले ये वाला फॉर्म देखते हैं जो ग्रीन कलर का, जो सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको हम भरने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या क्या भरना है, जैसे हमें सबसे पहले यहाँ पर डेट डाल देना है, जिस डेट को आप भर रहे हैं फॉर्म वो डेट आप डाल दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर 16 तारीख को भर रहा हूँ तो डाल दूंगा 16/12/2022, तो ये मैं डेट डाल दिया हूँ। इस तरीके से आपको फॉर्म का अंदर डेट डालना है। पेन का साइज में कम कर देता हूँ। अभी मैं डेट डालने के बाद में यहाँ पर मैं डेट डालूंगा कि मुझे कितना रिक्वायरमेंट है। जैसे अमाउंट पूछ रहा है, मान लो मुझे 10 लाख का रिक्वायरमेंट है, 10 लाख डाल दूंगा यहाँ पर। 10, 1, 2, 3, 10 हज़ार हो गया और 10 लाख मिनिमम। यहाँ पर 50 हज़ार का लोन लेना कंपलसरी है जब आप अकाउंट खुलवाते हैं। तो जैसे मान लो 10 लाख का लेना है, मुझे 1 लाख का लेना है तो 1 लाख डाल दूंगा। यहाँ पर वर्ड में डालना है, जैसे मुझे 1 लाख का चाहिए तो यहाँ पर डाल दूंगा 1 लाख 1 लाख, इस तरीके से अब मैं डाल दूंगा। और यहाँ पर ये कितने महीने के अंदर मैं देना चाह रहा हूँ, जैसे 12 महीने के लिए लेते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद रहता है, 18 महीने के लिए लेना है, 20 महीने के लिए लेना है, 24 महीने के लिए लेना है। जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 18 महीने, जैसे मुझे 18 महीने में ये 1 लाख रुपए का लोन चुकाना है। यहाँ पर डालना है पर्पज ऑफ फॉर विच दी लोन इज रिक्वायर्ड, किस लोन किसके लिए आपको पर्पज क्या है लोन लेने का। तो पर्सनल नीड डाल दीजिए, पर्सनल नीड या जो भी आपका नीड है, पर्सनल नीड एट होम, या कोई वाहन ले रहे हैं तो वाहन डाल दीजिए। पर्सनल नीड एट होम यानी मुझे घर पर पर्सनल रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, पैसों की जरूरत पड़ रही है और सेविंग उतना हो नहीं रहा है, तो उसके लिए मैं मान लो 1 लाख रुपए का लोन अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ तक का हमारा काम हो गया है। अभी आता है, नीचे आ जाते हैं हम, यहाँ पर हमें पर्टिकुलर भरना होता है। जैसे कि ये तीन कॉलम है, यहाँ पर इस एप्लीकेंट की यहाँ पर इंफॉर्मेशन आएगी, जो अप्लाई कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन आएंगी ये सारी जगह पर। यहाँ पर फर्स्ट श्योरिटी का डिटेल आएगा और यहाँ पर सेकंड श्योरिटी का डिटेल आएगा। श्योरिटी वही दे सकता है जिसका पहले ईसीसी में अकाउंट हो और वो लोन लिया हुआ हो, यानी एक ना एक बार उसने लोन लिया हुआ होगा तभी उसका श्योरिटी है यहाँ पर अप्लाई होगा। तो जिसका ओल्ड अकाउंट रहेगा, ईसीसी में अकाउंट रहेगा, वही यहाँ पर श्योरिटी अप्लाई कर सकता है और वही आपकी श्योरिटी दे सकता है। अगर आप किसी वजह से लोन नहीं दे पाते हैं तो आपके जो श्योरिटी देने वाला है उससे आपका लोन लिया जाएगा। इसलिए श्योरिटी जो देने वाले हैं वो आपके जानकारी रहेंगे, हर कोई आपको श्योरिटी नहीं देने वाला है। और ईसीसी बैंक में एक आदमी है वो 4 लोगों को श्योरिटी दे सकता है, 4 से ज़्यादा श्योरिटी अलाउ नहीं है। तो वो भी हम देख लेंगे कि उसने 4 से ज़्यादा श्योरिटी तो नहीं दी हुई है, जो आपका श्योरिटी देने वाला है उसने कहीं 4 से ज़्यादा लोगों को श्योरिटी तो नहीं दे रखी है, वो भी आपको फॉर्म भरने से पहले पूछ लेना है।
नहीं तो आपका फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि शेयर अकाउंट नंबर, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा क्योंकि नया अकाउंट आप खुलवा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ आपका अकाउंट नंबर मिला नहीं है। यहाँ पर श्योरिटी वाला, फर्स्ट श्योरिटी रहेगा उसका अकाउंट नंबर आ जाएगा। जैसे कि फर्स्ट श्योरिटी का अकाउंट नंबर मान लो मैं डाल देता हूँ V102653, इस तरीके से कुछ श्योरिटी नंबर है। इसी तरीके से सेकंड वाले का मान लो श्योरिटी नंबर है V102689, इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पर सेकंड में ब्लॉक लेटर के अंदर कैपिटल नेम आएगा, खुद का नाम यानी आपका नाम। जैसे मेरा नाम मान लो तीरथ राम है, तो यहाँ पर डाल दूंगा तीरथ राम, और यहाँ पर जो पूरा नाम रहेगा मेरा वैसे डाल दूंगा तीरथ राम मीणा। फर्स्ट श्योरिटी का नाम आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर राजेश, अब मैं डाल देता हूँ राजेश कुमार है मान लो फर्स्ट श्योरिटी जो देने वाला है, तो राजेश कुमार डाल दूंगा। सेकंड श्योरिटी देने वाला है वो प्रदीप कुमार है, तो प्रदीप कुमार डाल दूंगा मैं प्रदीप कुमार। तो ये हमारा सेकंड श्योरिटी हो जाएगा। और जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूछी है वो इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा। जैसे डेजिनेशन मान लो मुझे डालना है, डेजिनेशन में से यहाँ पर डाल देता हूँ ALB है ये, और ये डाल देता हूँ मान लो ये सीनियर ALP है, और ये मैं डाल देता हूँ कि ये LPS है। कोई भी आपका रेलवे एम्प्लॉय रहेगा वो आपका गारंटी दे सकता है, तो वो अपना पोस्ट डाल देगा। तो यहाँ पर डेजिग्नेशन यानी पोस्ट हो जाएगा आपका किस पोस्ट पर है। फिर डिपार्टमेंट और स्टेशन आ जाएगा, जैसे कि ALP है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से है, तो ऑपरेटिंग डाल दूंगा। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट कहाँ पर काम कर रहा है, जैसे कुर्ला कल्याण या मुंबई में CST या लोनावाला, कहाँ जहाँ भी काम कर रहा है वो यहाँ पर स्टेशन आ जाएगा ऑपरेटिंग कुर्ला। जैसे मान लो ये वाला बंदा है, ये भी ऑपरेटिंग में काम कर रहा है, ये कल्याण काम कर रहा है, और ये वाला बंदा है ये भी ऑपरेटिंग में काम कर रहा है और ये कल्याण काम कर रहा है, तो जहाँ पर काम कर रहा है वो आपको डिटेल डाल देना है। फिर PF नंबर आपको डाल देना है, जो आपका PF नंबर रहेगा। वैसे कॉन्फिडेंशियल है PF नंबर, इसलिए मैं एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं डालता हूँ, लेकिन उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के लिए डाल देता हूँ। जैसे कि PF नंबर डाल देता हूँ एग्जाम्पल के लिए 22002009809809, इस तरीके से। इसी तरीके से इसका भी PF नंबर रहेगा कुछ 00228358 6, जो भी रहेगा यहाँ पर PF नंबर डाल देंगे। इसी तरीके से सेकंड श्योरिटी का PF नंबर डाल देंगे 36581451234, इस तरीके से। फिर बिल यूनिट रहेगा जो आपका सैलरी स्लिप रहेगा, उसमें बिल यूनिट रहेगा, तो बिल यूनिट आपको डाल देना है। सैलरी स्लिप के अंदर रहेगा बिल यूनिट, और हर लॉबी का अलग बिल यूनिट होता है, तो वो यहाँ पर बिल यूनिट डाल देंगे। जैसे इस बंदे ये बंदा अप्लाई कर रहा है तो इसका बिल यूनिट अलग रहेगा, जैसे कि 01026636 रह गया। मान लो इसका ये बिल यूनिट है 102638 हो गया, 39 हो गया, 50 हो गया या 31 हो गया। जैसे इसका है 102659 हो गया, इस तरीके से बिल यूनिट तीनों का अलग हो जाएगा। व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जैसे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ मैं यहाँ पर 6367100062, इस तरीके से यहाँ पर भी डाल देता हूँ इसका नंबर 9602364563, यहाँ पर भी डाल देता हूँ नंबर, जैसे कि 9166666666, इस तरीके से नंबर डाल दूंगा। पे मैट्रिक्स यानी कौन से लेवल में प्रेजेंट में आप, वो आप डाल दीजिए। जैसे कि मान लो Level 2 में है, Level 3 में है, Level 4 में है, तो ये यहाँ पर डाल दूंगा। जैसे कि Level 2 में है ALP, सीनियर ALP Level 4 में है मान लो, ये यहाँ पर LPS है Level 6 में या 4 में 5 में जो भी रहेगा, तो LPS Level 4 है, Level 4 डाल दूंगा। तो लेवल यहाँ पर डाल देना है जो भी पोस्ट का लेवल रहेगा। बेसिक पे डाल देना है, जैसे कि मान लो ALP का बेसिक पे स्टार्टिंग 1900 रहता है तो 1900 डाल दूंगा, 2100 रहेगा तो 2100 डाल दूंगा। जैसे सीनियर ALP का मान लो 2700 हो गया, किसी का 2700 तो 2700 डाल दूंगा। इंक्रीमेंट लगने के बाद बेसिक पे बढ़ जाता है, और इसी तरीके से यहाँ का इसका बेसिक पे भी डाल दूंगा। LPS का मान लो 27100 है तो 27100 बेसिक डाल दिया। मंथली ग्रॉस पे नेट पे डाल सकते हैं, डाल देना है, नहीं खाली भी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पैन कार्ड नंबर आपको डाल देना है, जो भी पैन कार्ड नंबर रहेगा, जैसे कि CVLPM3589OT, तो इस तरीके से पैन कार्ड नंबर डाल दिया। आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं, आधार कार्ड नंबर जो आपका रहेगा। इसी तरीके से यहाँ भी ये सेकंड श्योरिटी है, इसका पैन कार्ड नंबर हो जाएगा CVLPM3132H, इस तरीके से CVLPM3183H, इस तरीके से डाल दिया। आधार कार्ड नंबर हम डाल देंगे 5632315214 3168, इसी तरीके से यहाँ पर भी आधार कार्ड नंबर डाल देंगे।
6125123315 एंड 12345 इस तरीके से जो भी रहेगा आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देंगे, जो भी ईमेल आईडी रहेगी, जैसे यहाँ पर ईमेल आईडी, फिर यहाँ पर जो फर्स्ट सिक्योरिटी है उसका ईमेल आईडी, यहाँ पर सेकंड सिक्योरिटी है उसका ईमेल आईडी, यहाँ पर सिग्नेचर किसका आएगा जो अप्लाई कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर राजेश है तो राजेश सिक्योरिटी दे रहा है, राजेश का सिग्नेचर आ जाएगा, और इधर प्रदीप सिक्योरिटी दे रहा था, प्रदीप का सिग्नेचर आ जाएगा। फिर इनको बिटनेस चाहिए, बिटनेस वो बंदा दे सकता है जो रेलवे का एम्प्लॉय हो, उसका अकाउंट हो ना हो वो कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ रेलवे का एम्प्लॉय होना चाहिए, वो यहाँ पर बिटनेस दे सकता है। बिटनेस का नाम जैसे कि मैं मान लेता हूँ, एक बिटनेस ले लेता हूँ मैं दिनेश से कि दिनेश मेरे को जानता है, एक ले लेता हूँ मैं महेश से कि महेश ये सिक्योरिटी वाले को जानता है, और एक ले लेता हूँ मैं कमलेश से कि कमलेश है ये सिक्योरिटी वाले को जानता है। डेजिग्नेशन मान लो ये ALP है और कहाँ पर है, कोरला में है, ये मान लो देख लेते हैं ALP है ये कहाँ पर है, कल्याण में है, ये देख लेते हैं कि ALP है ये भी कल्याण में है। फिर सिग्नेचर, ये जैसे जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसको जानता है तो उसका सिग्नेचर, जैसे दिनेश है तो दिनेश का सिग्नेचर हो जाएगा, महेश है तो महेश का सिग्नेचर हो जाएगा, और कमलेश है तो कमलेश का सिग्नेचर हो जाएगा। तो ये तीन हमारे विटनेस हो जाएंगे, यानी गवाह हैं, रेलवे एम्प्लॉय हैं ये, सिर्फ इनका अकाउंट नहीं है लेकिन रेलवे एम्प्लॉय ये होने चाहिए। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। अभी हमें देखना है कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट डिपोर्ट इंचार्ज, यानी जो आपकी लॉबी का जो आपका डिपार्टमेंट है उसका जो इंचार्ज रहेगा उसके सिग्नेचर यहाँ पर होने वाले हैं, तो वो यहाँ पर सिग्नेचर करेगा। और जैसे कि यहाँ पर मान लो उसने सिग्नेचर कर दिए, चीफ क्रू कंट्रोलर है तो चीफ क्रू कंट्रोलर आपका सिग्नेचर कर देगा, और यहाँ पर जो चीफ क्रू कंट्रोलर के अंडर में जो बाबू काम करता है, क्लर्क काम करता है, वो आपका बिल यूनिट वेरीफाई करेगा कि आपका, यहाँ पर वो सिग्नेचर करेगा, सील लगाएगा, जो अपना सील है वो सील लगाएगा और सिग्नेचर करेगा, वो ये वेरीफाई करेगा कि आपका जो आप उस लॉबी में काम कर रहे हैं और उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आपका जो सैलरी स्लिप है यहाँ से जनरेट हो रहा है। इसी तरीके से अगर ये सब तीनों एक ही जगह एक ही लॉबी में काम कर रहे हैं, एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो फिर एक जगह से ही एक सील से काम होने वाला है, लेकिन अलग अलग ये अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो एक सील आपको यहाँ लेना है और एक सील आपको यहाँ लेना है। किसकी सील लगेगी यहाँ पर? सील और मोहर जो यहाँ पर लगने वाली है, सील और मोहर यहाँ पर जो लगने वाली है, इन दोनों के लिए सेम लग जाएगी अगर दोनों सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और सेम लॉबी में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनकी सील लगनी है जिसके अंडर में ये लोग काम कर रहे हैं, और उनसे ही वेरीफाई करवाना है, जो यहाँ पर ये बिल यूनिट है उनसे ही वेरीफाई होगी और उनका ही सील लगेगा और उनका ही यहाँ पर साइन होने का वाला है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट आ जाएगा, डेजिग्नेशन आ जाएगा कि कौन यहाँ पर का, जैसे सीनियर सीसी कर रहा है मतलब सीनियर सीसी आ जाएगा, कहाँ का सीनियर सीसी कर रहा है, कुरला का, कल्याण का, वो आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर उनका सील आ जाएगा, डेट आ जाएगा, जैसे जिस डेट को करवा रहे हैं 16/12/22 को करवा रहे हैं 16/12/22 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा डिपार्टमेंट का सील और सिग्नेचर। और इसी तरीके से ये सॉर्टी आपका दिया है दो लोगों ने, उनके डिपार्टमेंट का सील और सिग्नेचर हो जाएगा। फिर नीचे एक और ऑप्शन दे रखा है कि यहाँ पर ये दे रखा हुआ है कि आप यहाँ पर सिग्नेचर है हेड ऑफ डिपार्टमेंट के, जो है डिपार्टमेंट का भी हेड होगा उसके सिग्नेचर भी लेने हैं अगर आप फर्स्ट टाइम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे कि सेंट्रल में हम काम कर रहे हैं तो यहाँ पर जो GM रहेगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट GM रहेगा या DRM रहेगा, जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहेगा, वहाँ से आपको ले जाना है एप्लीकेशन को हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास में, और वहाँ के साइन होंगे, वहाँ का सील लगेगा। तो ये दोनों ध्यान रखना है, एक तो डिपार्टमेंट का जिस डिपार्टमेंट के अंडर में आप काम कर रहे हैं, और उस डिपार्टमेंट का एक हेड होगा वहाँ का भी सील लगेगा। तो ये आपको दोनों चीज़ ध्यान रखनी है। और यहाँ पर अगर सिक्योरिटी है वो वर्किंग यूनिट अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पर ये बंदा कुरला में काम कर रहा है, ये कल्याण का है, ये कल्याण का है, तो ये कुरला से ही वेरीफाई करवाना पड़ेगा सील लगवा कर, और कल्याण से भी वेरीफाई करवाना पड़ेगा सील लगा करके। तो ये हमारा फर्स्ट पेज का जो फ्रंट पेज है वो यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट, यानी इसको इस तरीके से भरेंगे। अब इसके बैक साइड में चलते हैं, बैक साइड में क्या क्या दिया हुआ है वो हम देखते हैं। तो ये हमारा बैक साइड आ जाता है, तो बैक साइड में हम देख सकते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो बैक साइड में यहाँ पर लोन का पूछ रहा है, कितना लोन आप ले रहे हैं, जैसे कि मैं मान लो 1,00,000 रुपये डाल देता हूँ तो 1,00,000 रुपये का ले रहा हूँ, वर्ड में डाल दूंगा यहाँ पर 1,00,000 रुपीज ओनली, ठीक है। और यहाँ पर ये मुझे डाल देना है I am agree टू अप्लाई दी होल ऑफ सेड लोन फॉर दी पर्पज इन सोन एंड माई एप्लीकेशन,
तो ये यहाँ पर खाली छोड़ देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट देखते हैं नीचे, नीचे यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर में फिर श्योरिटी के बारे में पूछ रहा है ये। श्योरिटी का जैसे कि एप्लीकेंट जो बंदा अप्लाई कर रहा है, जैसे कि तीरथ राम अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर डाल देंगे तीरथ राम मीणा। यहाँ पर फर्स्ट श्योरिटी किसने दी, दिनेश ने दिया तो दिनेश डाल देंगे। सेकंड श्योरिटी राजेश ने दिया तो राजेश डाल देंगे। रेजिडेंशियल एड्रेस जहाँ पर वो रह रहे हैं, जहाँ पर रह रहे हैं वो एड्रेस आएगा यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर डालता हूँ रह रहे हैं, वहाँ पर रूम नंबर 502 फेज बी बदलापुर ईस्ट मावली चौक अमला धारा बिल्डिंग, और यहाँ पर पिन कोड डाल देंगे 421503। इसी तरीके से फर्स्ट श्योरिटी जहाँ पर रह रहा है उसका एड्रेस आ जाएगा, रह रहा है वहाँ पर एड्रेस आएगा। सेकंड श्योरिटी जहाँ पर निवास स्थान है उसका, जहाँ पर वो रह रहा है उसका एड्रेस आ जाएगा, और यहाँ पर पिन कोड डाल देंगे नीचे की साइड, यहाँ पर जैसे 421306 421582 छः अंक का जो पिन कोड रहता है वो डाल देंगे। शेयर अकाउंट नंबर यहाँ पर कुछ शेयर अकाउंट नंबर आएगा नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा है। फर्स्ट श्योरिटी वाले का शेयर अकाउंट नंबर कुछ रहेगा जैसे 102532 इस तरीके से। सेकंड श्योरिटी का भी कुछ अकाउंट नंबर रहेगा बी 102383 इस तरीके से। फिर डिपार्टमेंट और डेजिनेशन जैसे कि ALP है और डिपार्टमेंट क्या है ऑपरेटिंग है। इसी तरीके से फर्स्ट श्योरिटी है मान लो सीनियर ALP है और डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग है। इसी तरीके से सेकंड श्योरिटी है मान लो LPS है और डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग है। फिर पर्टिकुलर अगर कोई और कोई पर्टिकुलर है वो डाल देना, तो उसको आप खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पर हम देखें सिग्नेचर, सिग्नेचर यहाँ पर एप्लीकेंट का सिग्नेचर आएगा, जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसका सिग्नेचर। यहाँ पर जो श्योरिटी दे रहा है उसका सिग्नेचर आएगा, जैसे दिनेश श्योरिटी दे रहा है दिनेश का सिग्नेचर, और यहाँ पर राजेश का श्योरिटी का सिग्नेचर, यानी राजेश अप्लाई कर रहा है तो राजेश के श्योरिटी का सिग्नेचर। यहाँ पर नीचे डेट आ जाएगा, जैसे कि ये 16/12/22 को अप्लाई कर रहा है, यहाँ पर भी डाल देंगे 16/12/22, यहाँ पर भी डाल देंगे 16/12/22, या जिस डेट को उसने श्योरिटी पर साइन किए हैं वो वाला डेट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा पहला फॉर्म है, ये कम्प्लीट होता है श्योरिटी वाला जो फॉर्म है। अभी हम आते हैं दूसरे फॉर्म पर। दूसरा फॉर्म है हमारे पास में, दूसरा फॉर्म वाइट वाला फॉर्म है। तो ये आप वाइट वाला फॉर्म देख सकते हैं, छोटा वाला फॉर्म, इस वाले को भरते हैं। ये CSTD काटने के लिए है। CSTD यानी मंथली आपका कुछ पेमेंट करता है, और फिक्स डिपॉजिट के जैसे वो पेमेंट करता है मासिक बचत के रूप में। CMTD जिसको बोलते हैं, और इसमें 7-8% के आसपास ब्याज भी मिलता है। 1700-1300 अभी प्रेजेंट टाइम पर 1300 रुपये के आसपास मंथली कटता है, और 2-3 CMTD आपकी कट जाएगी, 2-3 मंथ का CMTD कट जाएगा तभी आपको लोन है वो मिलेगा, तो उसका भी आपको देख लेना है। तो ये फॉर्म के बारे में हम देखें, फॉर्म को भरते हैं। तो यहाँ पर हम देखें डेट डाल देंगे कि भाई मैं 16 तारीख को लोन के लिए अप्लाई किया हूँ, 16/12/22, और ऋण मान लो मैं कितना ले रहा हूँ, 1,00,000 रुपये ऋण ले रहा हूँ, तो 1,00,000 रुपये आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर पूरा नाम जो लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, तो मैं पूरा नाम डाल देता हूँ, हिंदी में भी डाल सकते हैं इंग्लिश में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीरथ राम मीणा, शेयर खाता नंबर मुझे मिला नहीं है तो इसको मैं खाली छोड़ दूंगा। और यहाँ पर बिल यूनिट, तो बिल यूनिट मेरा जो रहेगा वो डाल दूंगा 102632 इस तरीके से। मोबाइल नंबर जो रहेगा मेरा वो डाल दूंगा, जो अप्लाई कर रहा है उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा, ये मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब ये गवाह के हस्ताक्षर है। गवाह क्या है, कोई भी दो गवाह हो सकते हैं। तो गवाह कोई भी जो रेलवे एम्प्लॉय है और आपको जानते हैं, उनके गवाह के साइन ले लेने हैं आपको। जैसे प्रथम गवाह के हस्ताक्षर, जैसे मैं मान लो प्रथम गवाह है वो राजीव से ले लिया हूँ, तो राजीव का सिग्नेचर कर दूंगा यहाँ पर। यहाँ पर पूरा नाम डाल दूंगा, जैसे राजीव कुमार मीणा, पदनाम जैसे ALP है, स्टेशन जर्लेश की कुरला है। दूसरे गवाह का नाम जैसे कि मान लो दूसरे गवाह का नाम अजय है, तो अजय के सिग्नेचर और पूरा नाम उसका अजय कुमार मीणा, उसके सिग्नेचर ले लेना है, उसका नाम लिख लेना है। पदनाम मान लो उसको सीनियर ALP है तो सीनियर ALP डाल देंगे, LPS है तो LPS डाल देंगे। स्टेशन कहाँ कौन से स्टेशन पर काम करता है वो स्टेशन डाल देंगे, जैसे कि कल्याण में काम कर रहा है तो कल्याण डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, यानी दो गवाह आपको यहाँ पर चाहिए जो आपको जानते हों और रेलवे एम्प्लॉय वो होने चाहिए। तीसरा इसमें आ जाता है नीचे की साइड, हम देखें यहाँ पर कार्यालय डिपो प्रभारी के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित, यानी कि उसके कार्यालय के हस्ताक्षर, जो आपका डिपो प्रभारी रहेगा जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं उसका हेड जो रहेगा उसके यहाँ पर साइन होंगे। जैसे सीनियर CC के अंडर में तो सीनियर CC के यहाँ पर साइन होंगे, उसका पदनाम क्या है, सीनियर CC है या क्या है, JEE के अंडर में आते हैं किसके अंडर में आते हैं, वो सारा आपको डाल देना है पदनाम। और स्टेशन कहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जैसे कि कुरला है तो कुरला, कल्याण है तो कल्याण, CST है तो CST, जो कोई भी आपका स्टेशन रहेगा वो आपको डाल देना है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड पेज पर, इसके बैक पेज पर। तो बैक पेज में यहाँ पर हम देखें
ये सेकंड पेज है बैक वाला, यहाँ आप CMTD कटवाने के लिए कि भाई आप CMTD करवाना चाहते हैं रेलवे के लिए, तो मंथली आपका CMTD कटेगा 1300 रुपये के आसपास। तो यहाँ पर डेट डाल देंगे 16/12/22, यहाँ पर जैसे कि नाम लिख देंगे अपना, मैं तीरथ राम मीणा अपना नाम लिख दीजिए, पदनाम क्या है जैसे ALP है, सहायक लोको पायलट है, सहायक लोको पायलट डाल दीजिए और वो बाकी चीज़ें आपके आ जाएगी। गवाह जो मध्य रेलवे का कर्मचारी होना चाहिए वही यहाँ पर गवाह दे सकता है, जो मध्य रेलवे का कर्मचारी हो, जैसे गवाह के हस्ताक्षर, तो गवाह के हस्ताक्षर मान लो मुझे गवाह रेलवे कर्मचारी है, हम रितेश मान लेते हैं, तो रितेश के साइन, तो रितेश का साइन हो जाएगा यहाँ पर। पूरा नाम उसका जैसे रितेश कुमार मीणा, पदनाम उसका ALP है तो ALP, विभाग क्या है ऑपरेटिंग है तो ऑपरेटिंग, कहाँ पर काम करता है कुरला में काम करता है, कुरला आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर शेयर धारक के हस्ताक्षर, उसके ही साइन करने हैं जो अकाउंट खुलवा रहा है, जैसे कि मैं अकाउंट खुलवा रहा हूँ तो मेरे साइन हो जाएंगे। पूरा नाम, जैसे कि पूरा नाम यहाँ पर जिस जो अकाउंट खुलवा रहा है उसी का पूरा नाम आएगा, तीरथ राम मीणा। पदनाम जैसे कि ALP है, और टिकट नंबर आपको छोड़ देना खाली, गैंग नंबर खाली छोड़ देना। विभाग जैसे ऑपरेटिंग है तो ऑपरेटिंग आ जाएगा, स्टेशन कुरला है तो कुरला आ जाएगा, कल्याण है तो कल्याण आ जाएगा, CST है तो CST आ जाएगा। तो ये हमारा दूसरा फॉर्म कंप्लीट होता है। अभी आते हैं हम तीसरे फॉर्म की तरफ। तीसरा फॉर्म आपके पास में ये है, ये एप्लीकेशन नई मेंबरशिप के लिए है एप्लीकेशन, यानी आप मेंबरशिप बनना चाहते हैं, मेंबर बनना चाहते हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर डेट डाल दीजिए, जैसे कि 16/12/22 डेट डाल दिया हूँ। यहाँ पर अपना फोटो चिपका दीजिए, और यहाँ पर आपको शेयर अकाउंट नंबर मिला नहीं है, सेविंग अकाउंट नंबर मिला नहीं है, ये छोड़ दीजिए। ब्रांच जैसे कि जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं, वाइकला तो वाइकला, कुरला है तो कुरला, कल्याण है तो कल्याण, जो भी रहेगा ब्रांच वो डाल दीजिए आप। अब यहाँ पर देखते हैं एप्लीकेंट का डिटेल पूछा है, जैसे कि यहाँ पर नेम, जो अप्लाई कर रहा है उसका नाम आएगा, जैसे कि तीरथ राम मीणा, ये यहाँ पर नाम आ जाएगा। डेजिग्नेशन जैसे कि ALP, डेट ऑफ बर्थ जैसे कि 8 मई 1996, और PF नंबर जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी PF नंबर रहेगा। पैन कार्ड नंबर जैसे कि CVL PM 58 2 3 4, PN नंबर आ जाएगा। पे लेवल जैसे कि लेवल 2 में आता है लेवल 2 आ जाएगा। बिल यूनिट जैसे कि 0102 6 3 8 2 5, जो भी बिल यूनिट रहेगा बिल यूनिट आ जाए, देख लेंगे आप सैलरी स्लिप में, वहाँ से भर देंगे। फिर डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है जैसे कि 20/11/20 है तो 20/11/20 डाल देंगे। प्रान नंबर, जैसे आप NPS आपका कटना स्टार्ट हो जाता है तो प्रान नंबर आपको मिल जाते हैं, PRAN नंबर है वो आपको मिलता है NPS स्कीम के थ्रू। तो एक कार्ड बनता है, कार्ड जनरेट होता है, फॉर्म 16 जनरेट होता है, और उसी के द्वारा आपको प्रान नंबर मिलेगा, तो प्रान नंबर यहाँ पर डाल देना है। आधार कार्ड नंबर, तो आधार कार्ड नंबर आपको डाल देना है। और फिर बेसिक पे जो आपका है जैसे कि 2100 है तो 2100 डाल देंगे, जेंडर मेल है तो मेल डाल देंगे, फीमेल है तो फीमेल डाल देंगे। यहाँ पर फिर कॉन्टैक्ट डिटेल में मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर डाल देंगे। यहाँ पर भी दूसरा अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल देंगे। यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देंगे। रेजिडेंशियल एड्रेस में जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस वो डाल देंगे, जैसे जहाँ पर आप रह रहे हैं तो रहने वाला एड्रेस कंप्लीट डाल देंगे पिन कोड के साथ में, जैसे 421503, डिस्ट्रिक्ट जैसे कि थाने है, स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र है, और मावली चौक बदलापुर में रहते हैं तो सिटी बदलापुर आ जाएगा इस तरीके से। परमानेंट एड्रेस में आपके घर का एड्रेस, गाँव का एड्रेस आप डाल सकते हैं परमानेंट एड्रेस में, पिन कोड यहाँ पर आ जाएगा। फिर सैलरी बैंक अकाउंट, यानी जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आती है वो डिटेल आपको डाल देनी है, किस बैंक के अंदर आपको सैलरी आती है। नेम इन दी बैंक अकाउंट, जैसे कि SBI में आती है तो SBI में IFSC कोड क्या है उस बैंक का, तो वो आप डाल देंगे यहाँ पर, जैसे कि SBIN 000710 7372, जो भी रहेगा वो IFSC कोड डाल दीजिए। ब्रांच कहाँ पर है, जैसे कि बिचुम्बे है तो बिचुम्बे डाल दिया। बैंक का नाम क्या है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डाल दिया, जो भी बैंक का नाम रहेगा वो बैंक का नाम डाल दीजिए। सेविंग अकाउंट नंबर जैसे कि 3619280035513, जो भी आपका सेविंग अकाउंट नंबर रहेगा वो आपका सेविंग अकाउंट नंबर डाल दीजिए। नॉमिनी का नेम, आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, आपको अगर कुछ होता है तो नॉमिनी किसको बनाना चाहते हैं, जैसे कि मान लो मैं डाल देता हूँ नीतीश कुमार मीणा, तो ये नीतीश कुमार मीणा कौन है, रिलेशनशिप क्या है उसका साथ में आपका, तो यहाँ पर ब्रदर है तो ब्रदर डाल दीजिए। इस तरीके से नॉमिनी आप बना लीजिए, अपनी वाइफ को, मम्मी को, जो भी बनाना है आप नॉमिनी बना लीजिए। यहाँ पर सिग्नेचर, आपके सिग्नेचर होंगे जो आप अप्लाई कर रहे हैं, दोनों तरफ दोनों खानों में आपके सिग्नेचर होंगे, जैसे कि मैं दोनों तरफ यहाँ पर सिग्नेचर कर देता हूँ। और सिलेक्शन मेरा किस तरीके से हुआ है, RRB के थ्रू हुआ है तो RRB, डिपार्टमेंटल हुआ है तो डिपार्टमेंटल, वो हमें डाल देना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर भी सिग्नेचर होगा, जो अप्लाई कर रहा है उसका सिग्नेचर होगा, तो यहाँ पर भी सिग्नेचर डाल देता हूँ मैं। यहाँ पर विटनेस का सिग्नेचर होगा, एक और विटनेस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, उसका अकाउंट नंबर होना चाहिए, यानी उसका अकाउंट खुला हुआ होना चाहिए ECC बैंक के अंदर, तो ये यहाँ पर विटनेस के सिग्नेचर हो जाएंगे। जैसे कि मान लो मुझे हरीश विटनेस दे रहा है, तो हरीश के साइन, हरीश कुमार मीणा फुल नेम हो जाएगा,
शेयर अकाउंट नंबर जैसे कि 010245 जो भी अकाउंट नंबर रहेगा, शेयर अकाउंट नंबर उसका, डेजिग्नेशन उसका मान लो ELP है तो ELP, स्टेशन कुरला है कल्याण है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसको फॉरवर्ड करने के लिए ये फॉरवर्ड होकर के जाएगी तो यहाँ पर सील लगेगा डिपार्टमेंट का, यानी जो ऑफिस का इंचार्ज रहेगा उसका सील लगेगा, उसका डेजिग्नेशन, उसका स्टेशन और यहाँ पर सील लगेगा, और यहाँ पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट का सील लगेगा, जो आपके डिपार्टमेंट का भी हेड रहेगा उसका सील लगेगा और साइन होगा। तो यहाँ पर सील और साइन, और यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट का सील और साइन, तो दो जगह यहाँ पर सील और साइन होगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट तरफ का जो कंप्लीट फॉर्म। अब सेकंड तरफ के में क्या दे रखा है, सेकंड तरफ के में आपको दे रखा है कि आप इसके साथ में क्या क्या आपको अटैच करना है। पहली बात तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर का कॉपी आपको अटैच करना है, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए जीरोक्स। उसके बाद में करंट मंथली जो पे स्लिप है आपका, सैलरी स्लिप है प्रेजेंट मंथ का, वो आपको अटैच करना है। कैंसिल्ड चेक आप अटैच करेंगे एक, या फिर बैंक का फ्रंट पेज का पासबुक का, जो बैंक पासबुक है उसके फ्रंट पेज का कॉपी है सेल्फ अटेस्टेड आपको अटैच करना है, या फिर कैंसिल्ड चेक भी आप अटैच कर सकते हैं। वो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या अटैच कर रहे हैं, तो वो आप देख लेना है। उसके बाद में आपको पैन कार्ड का एक कॉपी लगेगा, एक आधार कार्ड का कॉपी लगेगा, और एक नोड्यूज सर्टिफिकेट, अगर आपका कहीं से ट्रांसफ़र होके आए हैं अदर सोसाइटी से तो नोड्यूज सर्टिफिकेट आपका लगेगा। तो ये ऑफिस का मैटर है, बाकी ऑफिस वाले करेंगे जो भी इसमें करना है, कि आपका फॉर्म चेक कर दिया गया है, आपके अकाउंट नंबर अलॉट कर दिया गया है, पंचिंग डेटा एंट्री आपका कर दिया गया है, सर्कुलर प्रिंट जो भी फाइल प्रिपरेशन है, CMTD डायरेक्शन, CMTD आपका दो कट गया है तो वो यहाँ पर कन्फर्म कर लेगा, लोन ग्रांट किया गया है क्या, और ये सेविंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया गया है कि नहीं किया गया, KYC डिटेल है वो पंच किया गया, नॉमिनी का एंट्री किया गया कि नहीं किया गया, वो ऑफिस वालों का काम है, वो ऑफिस वाले देख लेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस हो गया है। तो अभी मैं इसमें बता देता हूँ कि मेरा अकाउंट ओपन हो गया है, तो अकाउंट ओपन होने का इस तरीके से आपको एक स्लिप मिलेगा, उसको आपको क्या करना है, एक दो स्लिप मिलेगा इस तरीके से, तो एक अपने पास में रखना है और एक आपका जो सैलरी बनाने वाला है उसके पास में जमा करना है, ताकि वो आपके अकाउंट से CMTD काट सके, यानी CMTD का जो फीस है दो मंथ का कटेगा तभी आपको लोन मिल सकेगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैं हम देख सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर CMTD का जो फीस है 1300 रुपये, तो 1300 रुपये कटेगा। ये वाला रिसिप्ट है, मैं जमा करा चुका हूँ, जो भी क्लर्क है जो सैलरी स्लिप बनाता है उसके, और ये December 2022 का CMTD यहाँ पर कट जाएगा, January 2022 का CMTD कट जाएगा, और उसके बाद में मैं लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ और फिर मैं लोन ले सकता हूँ। और उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा उसका वीडियो हम बाद में देखेंगे, जब लोन लेंगे तो उसमें देखेंगे कि यह किस तरीके का इंटरेस्ट है और क्या डिफरेंस है। जैसे मैं एक वीडियो बनाया हूँ SBI से जो लोन लेते हैं, तो SBI से 11% 12% के आसपास जो पर्सनल लोन लेते हैं उस पर इंटरेस्ट किस तरीके से लगता है। तो SBI से जो लोन लेते हैं आप, उसमें इंटरेस्ट जो है मेरे हिसाब से, या मैं जिस तरीके से ले आऊँ उसका रेट है 11.70%, और उसमें मंथली 1,00,000 रुपये पर 1,000 आपका इंटरेस्ट लगता है। और अगर आप, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.70% यानी 12% मान सकते हैं। अगर यही लोन आप ECC से लेते हैं तो यही लोन 5% यानी 5,000 लगेगा, या 6% है तो 6,000 लगेगा, यानी 3-4,000 रुपये का मंथली आपको बेनिफिट होने वाला है 1,00,000 रुपये पर। तो वो आप देख सकते हैं कि क्या बेनिफिट होने वाला है और क्या फ़ायदा है लोन लेने से, ECC बैंक से लोन लेने से और पर्सनल लोन लेने से क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, वो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगर आपका कोई क्वारी रहे, कोई इंक्वायरी रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको अंत में क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इस तरीके के वीडियो हम नॉलेज वाले जो वीडियो है वो बना सके, जो भी हमारे पास जानकारी उपलब्ध है वो आपको दे सके। धन्यवाद।